हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक जे टिप्स में। मैं हूं जय और आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम सब ऑनलाइन जो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो नाविक का फॉर्म निकला हुआ है उसको भर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फॉर्म निकला हुआ है दोस्तों, ये 10+2 लेवल का है और इसके लिए आपको मैथ और फिजिक्स होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके साथ ही आपका 50% भी होना चाहिए ये दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है नोटिफिकेशन, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रखा है, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म भरिए, वो सभी के लिए अच्छा रहता है क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद दोस्तों आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर एड्रेस बार में आपको लिखना होगा joinindiancoastguard.gov.in, या फिर आप गूगल में डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, और उसके बाद ये ऑफिशियल लिंक है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसपे आपको टच करना है या क्लिक करना है। और उसके बाद फिर ये देखिए, ये है इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरने की जिसको आपको पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे में जाइए और उसके बाद अपना पोस्ट फिर जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पे आपको क्लिक करना होगा। यह है दोस्तों एप्लीकेशन जिसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल्स, अपना नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, और उसके बाद ये सारी डिटेल्स को फुलफिल करना है। तो चलिए करते हैं। दोस्तों, अब आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे अपना फोटोग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर करना है एंड देन सबमिट पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके। फिर यहाँ पे ये वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपका सही है तो आपको ओके कर देना है। देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर लिखा रहा है कि एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड और ये मुझे रसीद भी मिल चुकी है, साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुका है। तो आप भी इसे अपना प्रिंट कर लीजिए और उसको इसको संभाल कर रखिए। इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करके इसको संभाल कर रखना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय।